जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी यहाँ वहाँ काम करके अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन जब टुनटुनी काम पर जा रही थी, तब उसका बेटा मुन्ना टुनटुनी से कहता है, मम्मा मेरे दोस्त के पास चाबी वाला बंदर है, आप मेरे लिए भी वैसा ही खिलौना ला दो ना। तभी सुनहरी चिड़िया कहती है, मम्मा पापा मैं गुब्बारे लूंगी, वो भी उड़ने वाला। ठीक है बच्चों, शाम को मैं तुम लोगों का सामान लेकर आऊंगी, तुम घर से बाहर मत जाना, बाहर मौसम खराब है और सांप बिच्छू घूम रहे होंगे। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 58 प्लस 68 प्लस 88 कितने होते हैं। ये कहकर टुनटुनी अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिलता। शाम को वो खाली हाथ अपने घर लौटती है, उसे देखकर बच्चे खुशी से चिल्लाने लगते हैं, मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। मम्मा आप मेरा चाबी वाला बंदर लाई हो ना, कहाँ है, मुझे जल्दी दो। और मेरा उड़ने वाला गुब्बारा कहाँ है मम्मा? आप चुप क्यों हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? हम सब आपसे बात नहीं करेंगे, आप झूठी हो मम्मा, झूठा वादा करती हो हम लोगों से। बच्चों मुझे माफ कर दो, मैं तुम लोगों से झूठा वादा नहीं करती, पर क्या करूं? आज मुझे कोई काम नहीं मिला, मैं कहाँ से तुम लोगों के लिए खिलौने लाती? मैं कल जरूर तुम लोगों के खिलौने ला दूंगी। बच्चे टुनटुनी से नाराज होकर सो जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी फिर से काम पर जाती है। आज उसे ईंट भट्टे पर काम मिल जाता है। शाम को जब अपने घर आती है तो हाथ में ढेर सारे खिलौने और गुब्बारे लाती है। खिलौने गुब्बारे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। इस तरह दिन बीतने लगते हैं। एक दिन टुनटुनी काम पर जा रही थी, लेकिन आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो काम करते करते बेहोश हो जाती है। अरे क्या हुआ टुनटुनी बहन, कुछ तो बोलो। पास में काम करता हुआ कालू कौवा वहाँ आता है और उसे होश में लाने की कोशिश करता है। तभी उस ईंट भट्टे का मालिक मुल्ला बाज वहाँ आता है। अच्छा तो यहाँ काम नहीं, आराम हो रहा है? नहीं नहीं मालिक, टुनटुनी बहन काम करते करते बेहोश हो गई है, इन्हें मैं होश में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तू क्या डॉक्टर है बे, चल भाग यहाँ से और जाकर अपना काम कर, थोड़ी देर में ये खुद ब खुद होश में आ जाएगी। थोड़ी देर में टुनटुनी होश में आती है। वो सेठ के पास जाकर कहती है, सेठ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं दवा खरीद सकूं। पैसे? तूने आज काम तो कुछ भी नहीं किया और तुझे पैसे भी चाहिए? अगर पैसे चाहिए तो तुझे काम करना पड़ेगा, काम। टुनटुनी किसी तरह काम करती है और शाम को दवा लेकर घर आती है। क्या हुआ मम्मा, आज आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? बच्चों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए काम करने में देर हो गई। चलो मैं अब भोजन बनाकर तुम लोगों को खिला देती हूँ। मम्मा हमने भोजन बना दिया है, आप आराम करो, कल से आप काम करने नहीं जाओगी। मेरे बच्चों तुम लोग अब समझदार हो गए हो, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं नहीं जाऊंगी कल से काम पर। कुछ ही दिनों में टुनटुनी ठीक हो जाती है। वो फिर से अपने काम पर जाने लगती है और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। बचाओ, भेड़िया आया, भेड़िया आया। कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगल के पक्षी हाथों में डंडे लेकर आवाज की तरफ दौड़ पड़ी। वो कहते जा रहे थे, अरे डरना मत, तुम्हें बचाने के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल मत डरना। हाँ बिल्कुल मत डरना, हम आ रहे हैं। जब सभी पक्षी पहुँचे तो देखा कि एक चरवाहा कौवा अपने बच्चों के साथ आराम से खड़ा है। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 56 माइनस 12 कितने होते हैं। अरे अरे कहाँ है, कहाँ है भेड़िया?
चरवाहा कौवा ने देखकर जोर जोर से हंसने लगा। भेड़िया, मैं तो मजाक कर रहा था, कैसे दौड़े दौड़े भागे भागे आ रहे हैं, मजा आ गया। जंगल वालों को उसके इस मजाक पर बहुत गुस्सा आया और एक पक्षी बोला, तुम्हारे लिए ये हंसने की बात है, भला हम तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे और तुम यहाँ केवल बातें बना रहे हो। अरे चलो तो धर्म भैया, इसकी बातों में आकर हमने बेकार में ही अपना समय बर्बाद कर लिया, चलो। कालू चरवाहा गांव के छोटे से घर में अपनी माँ के साथ रहा करता था और रोज अपने साथ बच्चों को खिलाने गांव के दूसरे और जंगल के पास जाया करता था। वो अक्सर सोचा करता था कि ये बच्चों को खिलाना भी कितना उबाऊ काम है, इसलिए वो रोज खुद का मनोरंजन करने के लिए नए नए नुस्खे आजमाता रहता था। भेड़िए का भय फैलाना आजकल उसका नया शौक था। एक दिन चरवाहा फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे बचाओ बचाओ भेड़िया आया, अरे अरे बचाओ भेड़िया आया भेड़िया आया। कुछ पक्षी फिर उसकी आवाज पर दौड़े आए, फिर चरवाहा खूब हंसा और जंगल के पक्षी को फन फनाए। फिर से एक दो बार उसने ऐसा मजाक किया, पर अब गांव में से कोई भी उस पर भरोसा नहीं करता था। उसके बार बार झूठ बोलने से पक्षी परेशान हो चुके थे। एक दिन खेतों में काम कर रहे पक्षियों को फिर से अचानक चरवाहे की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ भेड़िया आया बचाओ, कोई मेरी मदद करो, कोई तो सुनो बचाओ। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, आपस में वो कह रहे थे, इसको तो आदत पड़ गई है हमें परेशान करने की, फालतू समझ रखा है इसने हमें। अरे बचाओ कोई तो बचाओ, अरे बचाओ कोई मुझे बचाओ। आवाज़ धीमी पड़ती जा रही थी। भेड़ियों को करीब आता देखकर उसकी आवाज़ बंद हो गई। कुछ देर बाद जंगल वाले सचेत हो गए और चारागाह के पास पहुंच गए। भेड़िया ने अपने कौवे के साथ दो बच्चों पर हमला कर दिया था। चरवाहा घबराया हुआ पेड़ पर छुपा बैठा था। किसी तरह उसने अपनी जान तो बचा ली, पर अपने प्यारे बच्चों से हाथ धो बैठा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। बार बार झूठ बोलने के कारण ही किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया था। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसने झूठ कभी न बोला, लोगों का विश्वास न तोड़ा, कठिनाई के वक्त में उसका किसी ने साथ न छोड़ा। मुंबई के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे और बूढ़े सास ससुर के साथ रहती थी। कालू हर साल अपने खेत में भिंडी की खेती किया करता था, जिससे उसकी अच्छी आमदनी हो जाती थी। एक दिन वो अपनी लहराती फसल को देखकर बहुत खुश हो रहा था। इस बार मेरे खेत में कितनी हरियाली है, अब बस कुछ ही हफ्तों की देरी है जब मेरी भिंडी की फसल पककर तैयार हो जाएगी। इस बार मैं भिंडी बेचकर सारे कर्ज चुका दूंगा और कुछ पैसे अगली फसल के लिए भी बचा कर रखूंगा, ताकि उस लालची कड़कनाथ से मुझे कर्ज ना लेना पड़े। टुनटुनी बहू, भोजन हो गया हो तो ला मेरी बेटी के लिए, वरना ये फिर किसी काम में लग जाएगा। अभी लाती हूँ माँ जी। टुनटुनी भोजन लाकर अपने पति को देती है। अरे बहू, जरा इसका ध्यान रखा कर, देख तो सूख कर कांटा हो गया है। मैं क्या करूं माँ जी, दिन रात इन्हें समझाती रहती हूँ कि खान पान का ध्यान रखो, पर नहीं, इन्हें तो बस फसल की चिंता सताती है कि सही सलामत फसल मंडी तक पहुँच जाए। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 28 / 4 कितने होते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन कालू खेत से आकर अभी बैठा ही था कि तभी उसके पिता जंगल से आते हैं। क्या है पिताजी, भिंडी तो बहुत बड़ी बड़ी हुई है, इस बार बस कुछ ही दिनों में तोड़ने लायक हो जाएंगी। धीरे धीरे रात हो जाती है और पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अचानक बिजली की कड़कड़ाहट से सबकी नींद खुल जाती है। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। पिताजी अब क्या होगा, इतनी तेज बारिश में हमारी भिंडी की फसल बर्बाद हो जाएगी, मैं खेत पर जाता हूँ। अरे बेटा, तू बेकार में जा रहा है, तेरे पिताजी ने पानी निकालने का रास्ता बना दिया है, बारिश का पानी निकल जाएगा, तू चिंता मत कर। नहीं माँ, मुझे जाना ही होगा। तो ठीक है, आप पिताजी को भी साथ लेकर जाइए, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी।
लालू अपने पिता के साथ खेत पर चला जाता है। सारी रात बीत जाती है पर दोनों घर नहीं लौटते। अगली सुबह उन्हें देखने के लिए टुनटुनी और सुंदरी खेत पर जाती है, पर वहाँ का नजारा देखकर टुनटुनी दहाड़े मारकर रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? हे प्रभु, ये आपने क्या किया? मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। खेत के बीचों बीच दोनों बाप बेटे मरे पड़े थे। उन पर आकाशीय बिजली गिर गई थी। समय गुजरने लगता है। सदमे से टुनटुनी की सास की भी मौत हो जाती है। टुनटुनी अब बेसहारा हो चुकी थी। घर में रखा सारा अनाज खत्म हो चुका था। एक दिन वो पहाड़ पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, तभी वहाँ एक बाबा पास आता है। क्या बात है बेटा, तुम इस तरह इन पहाड़ों पर बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे अपनी समस्या बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़िया रोते रोते बाबा बास को अपनी सारी बात बताती है। बिटिया, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। ये लो, ये आइसक्रीम के चमत्कारी बीज है, इन्हें ले जाकर खेत में बिखेर दो और आइसक्रीम की खेती शुरू करो। भगवान तुम्हारा भला करेगा। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपने दुखों को भुलाकर उस बाबा के द्वारा दिए जादू आइसक्रीम के बीज से अपने खेत में आइसक्रीम की खेती करके अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारने लगती है।